सिर पर दूध का डिब्बा, मन में गहरी आस्था और दिल में सिर्फ एक इच्छा, बाबा भुइया के दर्शन करके उन्हें दूध चढ़ाना और उनका आशीर्वाद लेना। बिहार के वैशाली जिले के पानापुर लंगा गांव में हर साल विजयदशमी के दिन श्रद्धालुओं का ऐसा ही सैलाब उमड़ता है। मृदंग की थाप पर झूमते गाते श्रद्धालुओं की टोली प्रदेश भर से यहां पहुंचती है। खास तौर पर प्रदेश के किसान और पशुपालक इस मंदिर में गहरी आस्था रखते हैं, जिसे बाबा भुइया स्थान के नाम से जाना जाता है। शुक्रवार को हजारों की संख्या में किसान यहां पहुंचे और मंदिर में दूध चढ़ाया। देखिए, ये मंदिर के अंदर का नजारा है। यहां इन तीन मूर्तियों पर दूध चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं के बीच होड़ मची रहती है। इस दौरान धक्का मुक्की तक की नौबत आ जाती है। श्रद्धालु दूध चढ़ाकर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ आने वाले किसान भगवान से मन्नत मांगते हैं, खास तौर पर अपने मवेशियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मन्नत मांगी जाती है और उसके पूरा होने पर लोग यहाँ दूध का चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। हम लोग उनको ज्यादा मानते हैं, यहाँ आने से भलाई होता है, मवेशी को जैसे कि अच्छा सुविधा मिलता है, इसलिए हम लोग दूध चढ़ाने आते हैं। लोगों की आस्था का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि यहाँ लाखों लीटर दूध चढ़ाया जाता है। वैसे तो आस्था के आगे कोई तर्क काम नहीं करता, पर कुछ लोग इन तस्वीरों को देखकर ये कह सकते हैं कि ये तो दूध की बर्बादी है, इसे गरीबों को दिया जा सकता था। लेकिन मंदिर से जुड़े लोगों का दावा है कि यहाँ चढ़ाए जाने वाले लाखों लीटर दूध को पाइपों के माध्यम से एक जगह जमा कर लिया जाता है और फिर इसे प्रसाद के रूप में मामूली कीमत पर वितरित किया जाता है। उस पैसे से मंदिर की व्यवस्थाओं और गरीबों के कल्याण पर खर्च किया जाता है। ये आप देख रहे हैं मेला, और वो जो दूध चढ़ता है वो दूध प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है, उससे जो ट्रस्ट है और ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर ये वितरण किया जाता है। लाखों लीटर दूध यहाँ पर जो है अभी तक वितरण हो चुका है, और इस दूध से जो एक छोटी सी रकम आती है जिससे ये ट्रस्ट चलता है, यहाँ की स्कूल चलती है, यहाँ मंदिर निर्माण में जो खर्च होते हैं और जो गरीब हैं उनको उनके लिए भी यहाँ पर कुछ व्यवस्था किया जाता है। तो आप अंदर देखेंगे तो तीन तीन चार चार पाइप हैं, बड़े बड़े वो पंपिंग सेट वाले, जिसके माध्यम से यहाँ दूध आता है। विजयदशमी के दिन यहाँ मेला भी लगता है और यहाँ दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु खरीदारी करके ही घर लौटते हैं। NBT ऑनलाइन के लिए चंद्रमणि कुमार की रिपोर्ट।